चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे अकाउंट बना रहे हैं तो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इंटर द यहाँ पे 5 डिजिट वहाँ पे OTP सेंड योर रजिस्टर्ड, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है उस मोबाइल नंबर पर कह रहा है OTP सेंड कर दिया गया है। बट दोस्तों आप बार बार ट्राई कर रहे हैं बट आपको इस मोबाइल नंबर पर OTP नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP क्यों नहीं जा रहा है, अगर दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है तो दोस्तों अपने प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, आप अपने प्रॉब्लम को इजीली आप ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव करके बताने वाले, लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुछ करके बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अगर अपना मोबाइल नंबर डाल करके, अगर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं और आपके मोबाइल नंबर पे OTP नहीं जा रहा, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है आप जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं आपका जो मोबाइल नंबर है अनलिमिटेड है कि नहीं है, उस पर यहाँ पे SMS पैक वाला जो रिचार्ज है कि नहीं है। सो दोस्तों अगर आपका जो यहाँ पे सिम कार्ड है जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं अगर उस पर अनलिमिटेड का रिचार्ज नहीं होगा, आउट गोइंग इनकमिंग बंद होगा, तब दोस्तों उस पर मैसेज नहीं जाएगा, आपका जो OTP है उस पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने उस सिम पर आपको रिचार्ज करवाना है। सो दोस्तों अगर आपका रिचार्ज भी है बट फिर भी आपका OTP नहीं जा रहा तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपका OTP नहीं रिसीव हो रहा है तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे SMS की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, इसलिए दोस्तों आपको जो OTP है नहीं जा रहा होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वैक आना है, वैक आने के बाद में यहाँ से इस तरीके से आपको टाइप करना है, अब आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन पे क्लिक करना है। सो दोस्तों जैसे आप परमिशन से क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नीचे, यहाँ पे SMS एंड यहाँ पे 24 hours, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अगर आपका पे SMS जो परमिशन है फोन पे का अगर यहाँ पे अलाउ नहीं है तो दोस्तों आपको अलाउ करना है। तो दोस्तों आप जैसे अलाउ कर देंगे उसके बाद में अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में अब आपको फिर से अपने मोबाइल नंबर को आप वहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जैसे आप फिर से अपने मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल देंगे, आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, OTP को इस तरीके से हम डाल देंगे यहाँ पे 90303 OTP डाल दिया, वेरीफाई वाले ऑप्शन जैसे क्लिक कर देंगे तो मेरा वेरीफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा और जो मेरा फोन पे अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रहा था प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो चुका है। सो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे फोन पे में जो आप लॉग इन कर रहे हैं अगर आप उस पर यहाँ पे OTP नहीं जा रहा है, मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं जा रहा है, तो दोस्तों इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को आप इजीली ठीक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।